हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये डिफ्यूज़र रखा हुआ था खाली बिल्कुल, तो मैंने यहाँ से बनाया है एक सुंदर DIY। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है न्यूज़पेपर, एलुमिनियम फॉइल की जगह मैंने न्यूज़पेपर के रोल बनाकर ये पूरी इसको कवर कर दिया था, और उसको फिर सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मास्किंग टेप। तो जब तक मैं इसको पूरा ये करती हूँ, अगर आप पुराने हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप कोई नए हैं, आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने यहाँ इसको जो पूरे को कवर करने के बाद एक शेप दी है यहाँ पर, तो उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्ले। तो आप इसकी जगह होममेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऐसा करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ मैंने क्ले को बनाकर रोल, और उसके बाद जो ये मैंने शेप बनाई थी, अब बारी आई है इस पर उसको कवर करने की, ऊपर डिज़ाइन निकालने की। तो इस तरह से मैंने ये पूरे को इस पर क्ले से कवर करके शेप दी है, और फिर यहाँ मैंने लगाए हैं ये क्यूट से प्यारे से हैंड, और एक यहाँ पे मार्क दिया कट का, फिर यहाँ पर हेड भी मैंने ये बना दिया है, और ये प्यारी सी आँखें निकाह बनाई है। और फिर जब मैं जो ऊपर ये बनाने थे इसके एंटीने, तो वो भी मैंने इसमें पुराने ही वायर से यूज़ करके बना दिया है, पाँव लगा दिए हैं, और यहाँ पीछे बनाए हैं इसका पंख, क्योंकि ये बन रहा है बग। तो ये मैंने ऐसा देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें एक्सपेरिमेंट करूँ। तो मैंने ये इस पर लिख कर ये बनाया है, और यहाँ इसको अब पूरा मैंने कलर से ये कर दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं एक बेकार डिफ्यूज़र से एक सुंदर बग बन गया है। आप अपने घर को डेकोरेट कीजिए, चाहे किसी को गिफ्ट कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।